हमारे सामने आज हमें एक बहुत बढ़िया आपको इंस्पेक्शन पर्पस का बहुत ही एडवांस सिस्टम दिखाने जा रहे हैं, जो वर्ल्ड नोन कंपनी है, पूरी दुनिया के अंदर विश्वविख्यात कंपनी है आपकी रेनिनशॉ, ठीक है। और ये रेनिनशॉ का क्या है, इक्वेटर 300 है ये आपका। ये दोस्तों हमारी क्वालिटी इंस्पेक्शन के पर्पज से बना हुआ है। ये हमारा जो पुराना जो हमारा एक ट्रेडिशनल तरीका था कि कंपोनेंट आपका सीएनसी वीएनसी पे बना, उसको लेके आप उठा के क्वालिटी में जो है इसको इंस्पेक्शन टेबल पे रखेंगे, तब जाके उसे आप चेक करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, तब तक में क्या होगा आपका प्रोडक्शन का लॉस होगा। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया इक्वेटर है, ये देखिए किस तरीके से काम कर रहा है, ये एक्टिविटी देख सकते हैं आप पूरा। ये इक्वेटर जो है आप जहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, जहाँ पे आपकी सीएनसी वीएमसी मशीन होगी, वहाँ पे इस इक्वेटर को आप इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। कृष्ण पाठक जी हमारे साथ हैं, ये बताएंगे पूरा डिटेल में कि ये किस तरीके से, ये किस पर्पस के लिए बना हुआ है, बताइए सर। देखिए सर, जैसा आपने कहा, ये एक वर्सेटाइल गेजिंग सिस्टम है। नॉर्मली हम लोग जनरली सीएमएम सभी के पास होती हैं, और किसी भी कंपोनेंट को इंस्पेक्शन करने के लिए जो बनने के बाद सबसे जो जरूरी काम है वो इंस्पेक्शन करना कि कंपोनेंट जो हमने बनाया है वो एकदम सही बना है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो सीएमएम जनरली होता है कि वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हालांकि वो बहुत मैंडेटरी है और ये बिना सीएमएम के काम नहीं करता। ओके। लेकिन अगर आपको पार्ट को 100% इंस्पेक्शन करना है, जैसे आजकल की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पार्ट आपको बहुत क्रिटिकल चाहिए, टॉलरेंसी जो है वो बहुत कम हो गई है, टाइट टॉलरेंसीज हो गई है, तो हमें पार्ट बहुत सारे जी एकदम इन हर एक पार्ट की रिपीटेबिलिटी और एक्यूरेसी हमें इंपॉर्टेंट है। जैसे खासतौर पे इंजन के कंपोनेंट्स हुए या एरोस्पेस के कंपोनेंट्स हुए, तो उस केसेस के लिए हमने ये इक्वेटर बनाया रेनिनशॉ ने। रेनिनशॉ प्रोबिंग की जन्मदाता है जी, और सीएमएम के जितने भी प्रोब हेड से रेनिनशॉ बनाती है। वेरी नाइस। तो ये एक सीएमएम नहीं है, ये सॉफ्ट फ्लोर गेजिंग है। ओके। मैनुअल गेजिंग का एक प्रोग्रामेबल वर्जन है। अभी आप डिफरेंट मैनुअल गेजेस बनाते हैं, कस्टम गेजिंग बनाते हैं, जो कि पार्ट स्पेसिफिक होते हैं जी, कि एक पार्ट के लिए आपने गेजिंग बनाया उसको रखते गए, अगर दूसरा पार्ट करना हो तो आप उस गेज को यूज नहीं कर सकते। इसकी सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये प्रोग्रामेबल है। Okay. आप इस पे जितने आपके प्लांट में प्रोडक्शन होता है, जितने टाइप के कॉम्पोनेंट्स बनते हैं, सभी का आप इसमें इंस्पेक्शन कर सकते हैं। प्रोग्राम कीजिए, कोई पार्ट डिसकंटिन्यू होता है ना तो इसमें वियर होना है, ना कुछ टियर होना है, ना मैनुअल रिपोर्ट बननी है, सब कुछ इसमें ऑटोमेटिक बनता है। और सबसे बड़ी बात है, आप इसको मशीन शॉप के मशीन के साथ लगा सकते हैं, और इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स हैं कि आप मशीन को ऑटो करेक्ट करवाना चाहें, अगर कोई डायमेंशन टॉलरेंस से थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा है तो ये ऑटो करेक्ट भी कर सकती है, या मशीन को अलार्म दे सकती है कि भाई आप गलत बना रहे हो। तो ये सब 2-3 चीज़ें हैं जो इसकी चीज़ें हैं, और ये सीएमएम से 4-5 गुना फास्टर काम करती है। सर बिल्कुल देसी भाषा में बड़े शॉर्ट में बोलना चाहूँगा, इसको आप अपने सीएनसी वीएमसी के साथ आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ये ऑटोमेटिक करेक्शन करेगी, ऑटोमेटिक आपके साइज को कंट्रोल करेगी, जो हम वेयर ऑफसेट या ज्योमेट्री ऑफसेट में जो प्लस माइनस करते हैं चेक करके, वो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ये चेक भी करेगी, और जो उसमें त्रुटि होगी, जो भी उसमें कमियां होगी, वो वेयर ऑफसेट में ऑटोमेटिकली ये देगी। बिल्कुल। तो बहुत ईजी हो जाता है हमारा काम, तो बहुत ही बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।